हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एएनएम कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एएनएम कोर्स क्या होता है, एएनएम कोर्स करने के लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए, या एएनएम कोर्स अगर आप करते हैं तो उसमें फ़ीस कितना लगती है। तो फ्रेंड्स, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम एएनएम कोर्स के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एएनएम कोर्स करना है तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एएनएम कोर्स क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, एएनएम कोर्स की बात करें तो एएनएम एक आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, एएनएम एक आपका डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि आपका 2 साल का होता है। जी हाँ दोस्तों, यह 2 साल का कोर्स होता है। और फ्रेंड्स, एएनएम के हम फुल फॉर्म की बात करें तो एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है नर्स दाई सेवा। जी हाँ दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब होता है कि नर्स दाई सेवा होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एएनएम कोर्स करने के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से लोग जो है कि एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एएनएम कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपका क्लास 12th पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका क्लास 12th पास होना चाहिए। क्लास 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम रहे, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, या चाहे आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हों, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम रहे, आप इस कोर्स को कर सकते हैं और जो है कि इसके द्वारा जो है कि आप नर्स बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बता दें कि जो है कि एएनएम कोर्स सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, एएनएम कोर्स सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। सिर्फ इस कोर्स को लड़कियां ही कर सकती हैं और कोई जो है कि बॉयज इस कोर्स को नहीं कर सकता, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एएनएम कोर्स करते हैं तो आपको क्या क्या काम करना होता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप एएनएम कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद जो है कि जो आपको काम मिलेगा वह आपको नर्स का काम मिलेगा। और नर्स के काम में क्या है कि आपको बच्चों को टीका लगाना होगा, साथ ही में डॉक्टर के निर्देश अनुसार जो है कि मरीजों को दवाई देना होगा, और जो है कि जो कुछ भी होगा मरीजों को बताना होगा, और डॉक्टर की मदद करना होगा, मरीजों को रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना होगा, और साथ ही में जो है कि माँ और बच्चे से सेहत के साथ फैमिली प्लानिंग जैसे योजना की उनको जानकारी देना होगा, और प्रथम उपचार न्यूट्रिशन, सामान्य बीमारी का उपचार कैसे करना है, यह सब जो है कि आपको जानना होगा। तो फ्रेंड्स, यह सब काम होता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो आप जानते हैं कि नर्स जो होती हैं वह डॉक्टर के साथ ही रहती हैं, डॉक्टर जो निर्देश देते हैं वही उनको करना होता है। तो यही आपको काम करना होगा अगर आप एएनएम का कोर्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एएनएम कोर्स करते हैं तो उसमें फ़ीस कितना लगती है। तो फ्रेंड देखिए, फ़ीस की अगर हम बात करें तो वह डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आप एएनएम कोर्स प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, अगर आप एएनएम कोर्स प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो वहाँ पर फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगती है। वहाँ पर एक साल की फ़ीस आपके लगभग 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे आपकी फ़ीस लगती है। वह डिपेंड करता है आपके प्राइवेट कॉलेज पर। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर आप सरकारी कॉलेज से एएनएम कोर्स करते हैं तो वहाँ पर फ़ीस आपकी 10,000, 20,000 या बहुत ज़्यादा लगेगी तो 30,000 रुपये में आपका एएनएम कोर्स हो जाएगा। तो इतना जो है कि आपका अंतर होता है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज से एएनएम करने में। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एएनएम कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सैलरी कितना मिलता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें जो है कि जब आपका एएनएम कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो अगर आप प्राइवेट जगह पर काम करते हैं, मतलब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक पर काम करते हैं, तो वहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 रुपये या 20,000 रुपये होती है। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर जो है कि आप उसके बाद सरकारी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और उसके थ्रू जो है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जो है कि नर्स बनते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है वह
40 से 50,000 रुपए होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी नर्स बनते हैं तो आपकी सैलरी 40 से 50,000 रुपए होती है, तो इतना जो है कि अंतर होता है। फिलहाल जो है कि अगर आपका सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है, तब प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ANM कोर्स जो है कि बहुत ही अच्छा है, इसको कर लेंगे तो आपका जो है कि 15 से 20,000 रुपये कम से कम जो है कि आपको सैलरी इतना तो मिलेगा ही। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।